लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो आदमी कौन है? एक तरीका है, अगर हमने चंद्र को उलझा लिया और अगर उसका फोन हमारे हाथ लग गया तो उस आदमी का नंबर मिल सकता है। सही कह रही है, इस कमीने को मैं फंसाऊंगा। फिर तो मिल गया नंबर। चंद्र की कमजोरी है लड़कियां, तेरे पास हमें नहीं आने वाला। अब राज, मैं जाऊं? कर पाओगी? हाँ। कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी प्रीत, मैंने मना किया ना उस कमीने इंसान से, दूर रह, मैंने कहा है ना तुझे, तू नहीं जाएगी बस। मैंने कहा ना मैं जाऊंगी और जाकर चंद्र को उलझाऊंगी, और उसी दौरान तू जाकर उसके फोन में से नंबर लेना, जैसा कि तय हुआ, ठीक है? लेकिन प्रीत, प्रीत, वीर जी, हमें सब कुछ संभाल के करना पड़ेगा। वो साला चंद्र एक नंबर का घटिया इंसान है, कमीना कहीं का। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लोग अपने झूठों के पुल बांधने बंद कर दे, नहीं तो इससे भी बुरा हाल करूंगा तेरा। पापा क्या कर रहे हैं आप? क्यों चिल्ला रहे हैं ताई जी पर? बड़ा बोलने लगी है तू, ये इन लोगों की शह मेरी है, ऐसा कहना मिल गई इनके साथ, बताता हूँ तुझे अभी मैं। माफ कर दो जी, बच्ची है वो, किसे गलती हो गई है? आप इनकी तो बच्ची है, आप ऐसे डंडा लेके उसको जोड़। मम्मी मत जोड़िए इनके सामने हाथ। पब्लिक मार लेने दीजिए इन्हें, इससे ज्यादा ये कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ औरतों पे अपना हुक्म और डर बना सकते हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी मदद, प्रीति दीदी है ना, वो हमारी मदद करेंगी। मम्मी चुप। मैं तो भूल ही गया था, प्रीत है तुम लोगों के पास तो है, वो तो सब कुछ कर देंगे। दीदी तो करना चाहिए तुम लोगों को, तुम सब मिलके धोखा दे रहे हो ना मुझे। अब देखो मैं क्या करता हूं। पब्लिक